नमस्कार दोस्तों, न्यू डोडिया वेट्स क्लब में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें पशुओं के योनि और गर्भाशय का बाहर निकलना, प्रोलेप्स ऑफ वेजिना का ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ। अन्य नाम गर्भाशय का उलट जाना, प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस। गर्भाशय और योनि का अंदर से बाहर की ओर उलट कर योनि मुख के बाहर लटक जाता है, इसे ही प्रोलेप्स ऑफ वेजिना एंड यूट्रस कहते हैं। कभी कभी प्रसव के बाद गर्भाशय संपूर्ण अथवा उसका कुछ भाग उलट जाता है। जुगाली करने वाले पशुओं में अवस्था प्राय प्रसव के बाद देखने को मिलती है। कारण, इसके कई कारण हो सकते हैं। गर्भवती की अधिक दुर्बलता, कैल्शियम की कमी, जेहर के अधिक देर तक रुके रहने के कारण, ऊंची नांद के कारण पीछे को अधिक दहल रहने से गर्भाशय का अनियमित संकोच, तीव्र उत्तेजना, अत्यधिक दबाव या वेग, हाथ डालकर जेहर निकालना, बछड़े और बच्चे को बराबर निकालने के प्रयत्न, गर्भिणी की अत्यधिक कमजोरी। लक्षण, इसमें पशु बार बार उठता बैठता है। देखिए, इसमें लगातार पशु उठता बैठता रहता है और जोर लगाता है। योनि बाहर की ओर निकल आती है अथवा गर्भाशय का पूरा भाग नाशपति के आकार में योनि मुख से बाहर लटका हुआ दिखाई पड़ता है। साथ ही यह भाग लाल लाल दिखाई पड़ता है। अपूर्ण भ्रंश में गर्भाशय का उल्टा हुआ भाग योनि के अंदर ही रह जाता है। यदि गर्भाशय बाहर निकला तो निकला हुआ भाग अधिक होता है एवं गोल गोल कई एक गांठे दिखाई पड़ती है। हवा लगने पर यह फैलती जाती है और नीले रंग की हो जाती है। इनमें हल्की टीच सी रहती है। पशु के जमीन पर बैठने से उसमें धूल एवं गंदगी लग जाती है। घसीटने और रगड़ पड़ने से चितरा जाता है अथवा छिल जाता है और उसमें रक्त स्त्राव होने लगता है। पशु के बैठने, उठने और पेशाब करते समय अत्यधिक कष्ट होता है। उपरोक्त लक्षणों को देख उपचार, जितना शीघ्र हो सके निकले हुए भाग को ठीक करके पुनः उसको पूर्वावस्था में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें अनावश्यक विलंब अच्छा नहीं रहता है। त्वरित व्यवस्था आवश्यक होती है। देरी होने पर बाहर निकले हुए भाग में हवा लगने पर वह अंग कठोर हो जाता है, तब उसे छोटा करना कठिन होता है और कठिनाई से अंदर जाता है। सबसे पहले पशु को 30 से 60 ग्राम क्लोरोहाइड्रेट पानी में घोलकर अलसी के तेल में मिलाकर तथा पिलाकर बेहोश कर दिया जाता है अथवा यह कार्य नोवेकेन के घोल का एपिड्यूरल इंजेक्शन देकर भी किया जा सकता है। अब पशु को साफ सुथरे स्थान पर रखा जाता है। रखने का स्थान ऐसा हो कि उसका पिछला धड़ ऊंचा रहे। उल्टी हुई योनि और गर्भाशय को किसी साफ कपड़े पर रखें तथा शरीर के तापमान के बराबर पानी गर्म करके साफ करें। गर्म पानी के 1000 भाग में एक भाग अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट 1000 भाग में यानी 0.01% डेटॉल या सेवलॉन मिला लें। अब यह देखना चाहिए कि इस निचले भाग में कहीं रक्त तो नहीं आ रहा है। यदि कहीं से रक्त आ रहा हो तो रुई के फाये से साफ कर ले या जाइलोकेन आइंटमेंट लगावे। यदि निकला हुआ भाग काफी समय से बाहर पड़ा हुआ है और कड़ा और नीला पड़ गया तो उसे मुलायम और छोटा करने के लिए गुनगुने पानी में तर कपड़े में रखकर चारों तरफ पुनः धीरे धीरे कसना चाहिए। ऐसा करते रहने से निकले हुए का आकार छोटा हो जाता है। अब इस निकले भाग पर अलसी का तेल लगावे तथा हल्के हाथ से धीरे धीरे अंदर कर दे। इसके बाद रस्सी का ट्रस बांध दे। ट्रस के लिए योनि मुख की लंबाई चौड़ाई की नाप का एक गुपनी के आकार का रस्सी का जाल बुनकर उसके किनारों में लंबी रस्सी बांधकर योनि मुख पर लगाकर रस्सियां खींचकर सीने के गर्दन में एक कालर बनाकर उससे बांध दे। इस प्रकार से पशु के जोर लगाने पर बच्चादानी और योनि भाग बाहर नहीं निकलता है। जब ट्रस लगाने पर भी कार्य संभव न हो तो पतले तार से योनि के दोनों ओर भारी छोर को ऊपर नीचे थोड़ा छोड़कर दो टांकों से बीच का भाग नथी या सिलाई कर दे। प्रोलेप्स ठीक करते समय पशु को निम्न औषधियां देनी चाहिए। सीपीएम 10 ml, इस्पाडिक पाइरोक्सिकेम पिटोफेनोन एसीएल फेनवी पेरिनियम ब्रोमाइड का इंजेक्शन आता है जो कि 30 ml लगा देना चाहिए। बेलामिल 10 ml जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ में हमें ड्यूराप्रोजन हाइड्रोक्सी प्रोग्रेस्ट्रोन इंजेक्शन 3 ml ये लगा देना चाहिए। इसके साथ में हमें बोलस के रूप में क्या क्या देना चाहिए। बोलस में हम दे सकते हैं ओलिजन आती है, फ्लूनिक्सिन, मेग्लुमाइन, पिटोफिनोन एसीएल एंड फेनवीनियम ब्रोमाइड बोलस। बहुत ही शानदार रिजल्ट है। ज़्यादा सीरियस स्थिति में हम दो दो बोलस सुबह शाम दे सकते हैं या एक एक भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ में हमें आयुलेप से पाउडर आता है, ये भी देना चाहिए। यदि इससे भी ज़्यादा स्थिति गंभीर हो तो हम प्रोलेप 00 भी दे सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को
शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।